हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। मेरे चैनल बेटर लाइफ जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोनिक्स पाम के बारे में कि इसके केयर हम कैसे करें, इसके लिए हम कैसा मिट्टी चुनें, इस पे हम खाद कितना डालें या ना डालें, इसमें सनलाइट हम कितना दें, इसे धूप में रखना चाहिए कि छांव में रखना चाहिए, इसके ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपका प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह काफ़ी बड़ा सा रहे, हेल्दी रहे, हरा भरा सा रहे। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसके हम टिप्स के बारे में आज बात करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे हम बात करते हैं इसके केयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सनलाइट के बारे में कि इस प्लांट को हम कितना सनलाइट दें। फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो इसे आप सेमी शेड में रखिए, इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। विंटर या रेनी सीजन में आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि ये काफी हार्डी प्लांट है, ये काफी हार्डी प्लांट है। इसका ये स्लो ग्रोविंग प्लांट है, स्लो धीरे धीरे ग्रो करता है। इसकी वैरायटी तो बहुत सारी आती है, पर मेरे पास इसकी एक ये वैरायटी है जिसमें आप देख रहे हैं इसके पत्ते छठे छठे से दिख रहे हैं, इस टाइप के इसके स्टेम ग्रो करता है, तो काफी हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स ये। इसलिए इसे सनलाइट में रेनी सीजन और विंटर सीजन में तो आप रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ना रखिएगा। गर्मियों में रखेंगे तो आपके क्या होगा कि इसके जो लीव्स हैं वो ब्राउन से होने शुरू हो जाएंगे और सूखने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब इसके लीव्स बॉटम साइड से जैसे सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो लीव्स इसके रहे होंगे जो सूखने स्टार्ट हो गए होंगे धीरे धीरे ब्राउन होके, जैसे जैसे ये पौधा ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो इसके जो नीचे तरफ की जो लीव्स रहते हैं वो सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको प्लीज आप कट कर दीजिएगा, जिससे प्लांट अपनी एनर्जी ऊपर के जो नए लीव्स निकलते हैं उसकी तरफ लगाए और प्लांट आपका जल्दी से जल्दी ग्रो करे, लीव्स जल्दी निकल पाए। आगे बात करते हैं फ्रेंड इसके वाटरिंग के बारे में, तो इसे एक मॉडरेट वाटरिंग की ही जरूरत होती है। जब इसका जो ऊपर का सरफेस है, ये जो सरफेस है ये मॉइस्ट हो जाए तभी आप इसमें वाटरिंग कीजिएगा। आप देख रहे फ्रेंड्स कि मेरा जो ऊपर का सरफेस है थोड़ा ड्राई हो चुका है, अब मैं इसमें वाटरिंग करूंगा आज। गर्मियों के दिनों में आप इसे रेगुलर वाटरिंग कीजिएगा और अच्छी तरह से वाटरिंग कीजिएगा। रेनी या विंटर सीजन में आप एक या दो दिन में वाटरिंग कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी इसमें देंगे तो इसके जड़ें गलने स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए इसे अगर इसकी जो सरफेस है वो थोड़ा सूख भी जाए तब आप ये चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा पानी ये बर्दाश्त नहीं करता है क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, थोड़ा इसके सरफेस ड्राई होने से भी इसको फर्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइजर के बारे में, तो इसे कोई खास फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्लो ग्रोविंग प्लांट है फ्रेंड, और आप इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत तेजी से मेरा प्लांट ग्रो करे, हर हफ्ते इसके लीव्स निकलते जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इसे थोड़ा समय दीजिए, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नीम की खली वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, नीम खली लिक्विड फॉर्म में इसमें डाल सकते हैं, इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसकी जड़ें और मिट्टी में भी जो कुछ फंगस या बैक्टीरिया होते हैं वो सब हट जाते हैं। बात करते हैं इसके सॉइल के बारे में, तो इसे वेल ड्रेन सॉइल पसंद है जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर ना हो, आसानी से इसमें पानी ड्रेन हो जाए, इसे वैसा सॉइल पसंद है। इसके सॉइल के मिक्सर में आप 20% कंपोस्ट या काउडंग यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरा प्लांट चारों तरफ से इसके लीव्स निकली हुई है और कितना घना सा लग रहा है। इसकी केयर आप करते हैं समय आप इसको सनलाइट और पानी का मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा वीडियो इस प्लांट के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।